सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, मैं अभी अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चकलोड़ी में बैठा हुआ हूँ और अभी मैं ड्यूटी पे आ चुका हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और आज यहाँ पर जो दिवस है वो है 14th of November, जो कि आज चिल्ड्रंस डे भी है और साथ ही में हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका एक और इम्पोर्टेंट डे है जिसका नाम है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, विश्व मधुमेह दिवस, जिसके उपलक्ष्य में हमें यहाँ पर आज जाना है। हमारे नज़दीकी जो स्कूल हैं वहाँ पर जाके हम एक एक्टिविटी करवाएंगे जहाँ पर हम बच्चों को जागरूक करेंगे इस डायबिटीज़ डे के लिए और डायबिटीज़ से कैसे बचना है, कैसे इस चीज़ का आप पहचान करेंगे। तो अभी मैं सेंटर में हूँ, एकदम रेडी, मैंने एकदम अपना जो सामान है वो रेडी कर लिया है और मैं यहाँ से जाऊँगा अभी सीधे अपने स्कूल में और वहाँ पर देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। तो जैसे भी रहेगा आप बने रहें इस ब्लॉक में। तो वैसे अभी निकलता हूँ मैं स्कूल में, मैंने अपना सारा सामान रख लिया है और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से स्कूल में जहाँ पर होगा आज एक कॉम्पिटिशन करवाना है बच्चों के बीच में और उनको समझाना भी है, पढ़ाना भी है डायबिटीज़ को लेकर। आज सारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करनी है। स्कूल में मैं आपको दिखाता हूँ जो भी जितना भी वहाँ पर, शायद मुझे मौका नहीं मिलेगा शूट करने का, पर जितना भी मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाने के लिए। तो मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से सीधे, मैं बताता हूँ अपना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये गाइस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चपलोड़ी और ये अपना वाहन, यहाँ से मैं जाऊँगा अभी ऊपर और फिर मिलते हैं आपको आगे सीधे स्कूल में। सभी को आज चिल्ड्रन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं और यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स उनका भी यहाँ पर स्वागत। और मैं, मेरा नाम दीपक है और मैं यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि आप लोगों को बताना है कि आप कैसे रह सकते हो स्वस्थ, ठीक है। साथ ही आज जो मेरा यहाँ पर आने का जो मेन मोटिव है वो है कि आज यहाँ पर एक हेल्थ डे भी है, पूरे वर्ल्ड में ही है, जिसका नाम है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ठीक है। मैंने 11th 12th वालों को भी पढ़ाया थोड़ी बहुत, अगर जितना आप समझे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मेनली जो ये डे आज हम मना रहे हैं, वैसे ही जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ तो जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाने का जो मतलब मेन मोटिव यही है कि जो भी डायबिटीज़ वो पहुँचे, ठीक है। जैसे गांव दूर दराज वाले इलाके, कई लोग क्या होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या होते हैं सजग नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो थीम है इस डे का वो है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, ठीक है। हर चीज़ का कोई थीम होता है ना, तो इसका जो थीम है वो है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, मीन्स की जो डायबिटीज़ केयर है वहाँ तक पहुँचना, ठीक है। और उनका जो डायबिटीज़ से जो पीड़ित हैं उनका प्रॉपर तरीके से क्या ट्रीटमेंट उनको देना और इस जो बीमारी है उससे उनको निदान करवाना, ठीक है। तो जैसे अभी आप बच्चे हो, मैंने आपको बताया भी था कि डायबिटीज़ कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, किस वजह से डायबिटीज़ होता है। तो नॉर्मली मैंने बताया था कि डायबिटीज़ जो आपका है वो दो टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। मैंने ये बताया था कि इंसुलिन जिन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है, फिर भी उस टाइम शायद पूरे बच्चे नहीं, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो मेनली ये डायबिटीज़ डे है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, उनका आज बर्थडे है। तो वैसे ही सर फ्रेडरिक बेंटिंग करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी, ठीक है। चार्ल्स एक और वैज्ञानिक थे इनके साथ मिलकर, चार्ल्स बेस्ट करके एक और वैज्ञानिक थे, 1991 में इन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी, ठीक है। तो किसी का जो डे मनाया जाता है तो एक याद रखने के लिए मनाया जाता है ना, जैसे हम चाचा नेहरू जी जो हम बोलते हैं क्योंकि उनका बर्थडे आज, ठीक है।
हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो ये भी हमारे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज करी। ठीक है, इंसुलिन का मेन कार्य मैंने बताया था क्या होता है और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारी बॉडी में इसकी क्या आवश्यकता है, ये सब चीज़ें। तो आज का मेन मोटिव यही है कि बच्चों, ये आज जो हमारा ऑफिशियल लेटर निकला है सीएमओ पौड़ी ऑफिस से कि स्कूल में जाकर बच्चों तक ये जानकारी पहुंचाना, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बड़े जैसे होते हैं 30+ उनमें ही शुगर नहीं है, ठीक है, डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो बच्चों में भी हो रही है, जिसे हम जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग जैसे भी आपका यंग ब्लड है तो आप में अगर कुछ फाइंड आउट ऐसे होता है तो आप इसको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें मॉडिफिकेशन करके ही इसको क्या कर सकते हो, अपने लेवल पे ही ट्रीट कर सकते हो। आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे जहां पे आपको ज़्यादा दिक्कतें हों, जिसमें मैंने आपको बताया था आपको अपने लाइफ स्टाइल में क्या क्या मॉडिफिकेशन करने हैं, जैसे आप हेल्दी खाना खाना है, ठीक है, रेगुलर व्यायाम करना है, अपनी आदत बनानी है अभी से ही, ठीक है, और जैसे आप रेगुलरली, जैसे आजकल बहुत एडिक्शन हो चुका है किस चीज़ का, मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं इनसे थोड़ा क्या करना है, ऐसे नहीं कि एकदम हटना है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि ये चीज़ जैसे बच्चों ने बताया सर हमें हेडेक होता है लगातार, तो ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पीछे बहुत क्या करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और अपना जो लाइफ मॉडिफिकेशन है वो तो आपको करना ही है। बाकी को जो मैंने पढ़ाया शायद आप लोगों ने समझा होगा उस चीज़ को, जो क्लास 11 12 को पढ़ाया ना, तो इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ भी हैं छोटी छोटी जो आपको मतलब नॉर्मली पता होना चाहिए, हमारा नॉर्मल बीपी जो हमने चेक किया कितना होता है, ठीक है, हमारा शुगर नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ये सब चीज़ें भी आपको क्या ये आगे मतलब काम आएंगी। ठीक है, तो धन्यवाद आपका सर और सभी बच्चों का फिर से। अभी थोड़ा दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने जो मेरा सेंटर है वहां पर, और मैं बताता हूं कि आज हमने क्या क्या एक्टिविटी करी। मैं पूरा फॉर्मेट जो है बना के लेके आ चुका हूं वहां से, और काफ़ी अच्छा रहा आज का प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा लगा। सभी बच्चों को मैंने आज दो क्लासेस ली वहां पर, और काफ़ी 11th 12th को मैंने पढ़ाया भी डायबिटीज़ एक टॉपिक, और काफ़ी अच्छा लगा वहां पर। साथ ही साथ जो प्रधानाचार्य थे वहां पर और स्टाफ थे, उन्होंने वहां पर चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट किया, जहां पर मुझे बोलने का मौका मिला, और मैंने जो भी मुझसे बताया गया, और मुझे आशा करता हूँ कि बच्चों को पसंद भी आया और उस पर ज़रूर काम करेंगे। तो बने रहें ऐसे ही इस चैनल पे, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।